दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। आज हमारे कई दर्शकों ने हमसे एक बहुत ही पेचीदा प्रश्न पूछा है कि गुरुजी, बार बार उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की सरकार के सीएम के इस्तीफे क्यों पड़ रहे हैं। चलो भाई, आपका प्रश्न तो बहुत ही पेचीदा है। बीजेपी फुल मेजोरिटी में होते हुए भी बीजेपी के सीएम इस्तीफा दे रहे हैं, ये बीजेपी के लिए शर्मजनक बात है। अब देखिए, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह रावत की शपथ विधि कुंडली क्या कहती है। दिनांक 4 जुलाई 2021 शाम को 5:13 को उन्होंने शपथ विधि ली थी। शपथ विधि कुंडली के अंदर वृश्चिक राशि में केतु है, मकर राशि में शनि है, कुंभ राशि में गुरु है, मेष राशि में चंद्र भरणी नक्षत्र का है, वृषभ राशि में बुध और राहु है, मिथुन राशि में सूर्य है, कर्क राशि में मंगल है। अब देखिए, सर्वप्रथम इस कुंडली में भरणी नक्षत्र का चंद्र होने की वजह से नक्षत्र स्वामी शुक्र बनता है और शुक्र की मां दशा में उन्होंने शपथ विधि ली है। शुक्र में लगने मंगल की मां दशा 31 अगस्त 2022 तक रहेगी। यहाँ तक तो उत्तराखंड के सीएम को, यानी कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह रावत को राहत रहेगी। मूल कुंडली में भाग्य गुरु की शुभ दृष्टि कर्म सूर्य पर पड़ने से और भाग्य चंद्र पर आने वाले समय में कुंभ की शनि की दृष्टि पड़ने से यह सत्ताकाल पूर्ण रूप से बहाल नहीं होने देती। क्यों नहीं होने देती है तो यह केंद्र सरकार का प्रश्न है। वहाँ जनजीवन पहाड़ी इलाकों का है, वहाँ के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत ही विश्वास है, मगर वहाँ किसी भी तरह का विकास नहीं है, सरकारी सुविधा नहीं है, सिर्फ दुविधा ही दुविधा है। इस दुविधा की वजह से वहाँ के सीएम कितने ही ईमानदार क्यों ना हो और कितने ही पक्ष के अंदर अच्छे व्यवहार करने वालों में से क्यों ना हो और कितने ही अच्छे प्रिंसिपल वाले क्यों ना हो और कितने ही सीएम जो अपने हिंदुत्व के बारे में सोचते हुए फिर भी वहाँ की सरकारें के सीएम बार बार इस्तीफा दे रहे, इनका मेन कारण क्या है और प्रजा की नाराजगी और अंदरूनी विग्रह का प्रश्न है। अगर वहाँ के विनाश और जनता का ख्याल किया जाए तो यह हमारी गारंटी है कि आने वाले समय में, बहुत ही लंबे समय, भारतीय जनता पार्टी का शासन रहेगा। वहाँ की जो प्रजा है, वहाँ की प्रजा के हालात इतनी बदतर है कि वहाँ की जनता ने तय ही कर लिया है कि कुछ भी हो जावे, मगर हमारा मत भारतीय जनता पार्टी की ओर ही जाएगा, किसी और पार्टी के पक्ष में नहीं जाएगा। ये वहाँ की जनता ने तय कर लिया है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार को वहाँ की जनता के ऊपर और जनता के लिए जो काम करना चाहिए वो काम बहुत ही जल्द से जल्द करना चाहिए, ताकि उनको एक सुविधा प्राप्त हुए, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहाँ कोई दूसरी आवक नहीं है। तो उसकी वजह से बार बार जनता वहाँ के सीएम को प्रश्न पूछ रही है कि आपके शासन के अंदर भी हमने इतने सारे वोटों दिए होते हुए भी 70 सीट में से 53 सीट आने पर भी
यहाँ की जनता का कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। ये सब कहानी सुन सुन के वहाँ के सीएम कंफ्यूज हो जाते हैं और डिप्रेशन में रहते हैं। तो अब ये जो प्रश्न है उसका मामला केंद्र सरकार के ऊपर है। यदि अगर केंद्र सरकार वहाँ सभी तरह की सुविधा और देश की जनता का ख्याल करेगी तो लिख लो, आने वाले समय में बहुत लंबे वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी मेन मेजोरिटी से आएगी, ये हमारी गारंटी है। अभी भी देखने जावे तो पुष्कर सिंह रावत 31 अगस्त 2022 तक रहेगा, इस बात की हमारी गारंटी है। और दर्शकों की चॉइस की वजह से ये हमने प्रोग्राम कर लिया। अब जो भी दर्शक हमारा कांटेक्ट करना चाहता है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9638420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम।